माघ महा महत्तम अध्याय 28। हरे कृष्णा राधे राधे। याद रखो, ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। इसलिए दिल खोल कर कर्म करो, यही साथ जाएगा, बाकी सब यही रह जाएगा। इस पवित्र माघ महीने में अच्छे कर्मों की तो सेल लगी हुई है, कम कर्म करके बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है, तो फायदा तो उठाना ही चाहिए। अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करके माघ महत्तम का अध्याय 28 सुनते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बोलो गणपति गणेश काटो कलेश। गणेश जी महाराज की जय। गुरु की महिमा का बखान कौन कर पाएगा, गुरु की महिमा का बखान कौन कर पाएगा, गुरु के दिए ज्ञान का ऋण भला कौन भर पाएगा। भगवान से भी बड़ा गुरु को माना जाता है, गुरु बना जीवन का अंधकार कौन हर पाएगा। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने माघ महा महत्तम के अध्याय 27 में ब्राह्मण कन्याओं द्वारा बताया हुआ नरक का वर्णन सुना, जिसे वो अपनी माताओं को बता रही थी। अब आगे ब्राह्मण कन्याएं नरकों का वर्णन बताने के बाद अपनी माताओं से जीवों के कर्मों के विषय में चर्चा कर रही थी और कह रही थी कि इस भारत भूमि पर जन्म बहुत ही दुर्लभ है। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर सब इंद्रियों से युक्त है, किसी भी इंद्रियों से ही नहीं है, वे ही मनुष्य धन है। अतः माताओं, तुम भय मत करो, आदर पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करो। जिनके पास दान रूपी शुभ कर्म होते हैं, वे यमलोक के मार्ग पर सुख से जाते हैं, अन्यथा उस पथ पर जीव को महान कलेश भोगने पड़ते हैं। ये सब जानकर मनुष्य पुण्य करे और पाप को छोड़ दे। पुण्य से देव तत्व की प्राप्ति होती है और अधर्म से नरक में गिरना पड़ता है। जो देवेश्वर भगवान श्री हरि की शरण में होते हैं, वो भयानक यमलोक का दर्शन नहीं करते। इसलिए हे प्रिय बंधुओं, यदि तुम लोग संसार बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो, तो सच्चिदानंद स्वरूप परम देव श्री नारायण की आराधना करो। शरीर मृत्यु से जुड़ा है, जीवन भी चंचल है, धन राजा आदि से प्राप्त होने वाली बाधाओं से भरा हुआ है तथा संपत्ति क्षणभंगुर है। माताओं, क्या तुम नहीं जानती, आधी आयु तो नींद में चली जाती है, कुछ आयु भोजन आदि में समाप्त हो जाती है, कुछ बालकपन में, कुछ बुढ़ापे में और कुछ विषय भोगों के सेवन में ही बीत जाती है। फिर कितनी आयु लेकर तुम धर्म करोगी। बचपन और बुढ़ापे में तो भगवान के पूजन का अवसर नहीं प्राप्त होता, अतः इसी अवस्था में अहंकार शून्य होकर धर्म करो। संसार रूपी भयंकर गड्ढे में गिरकर नष्ट ना हो जाओ। ये शरीर मृत्यु का घर है तथा आपत्तियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इतना ही नहीं, ये रोगों का भी निवास स्थान है और मल आदि से अत्यंत दूषित रहता है, गंदा रहता है। माताओं, फिर किस लिए इसे स्थिर समझकर तुम पाप करती हो। ये संसार नाना प्रकार के दुखों से भरा हुआ है, इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम्हारा निश्चय ही नाश होने वाला है। बांधवो, तुम सब लोग सुनो, हम बिल्कुल सच्ची बात बता रही हैं। शरीर का नाश बिल्कुल निकट है, अतः श्री जनार्दन का नित्य पूजन अवश्य करना चाहिए। सदा ही श्री विष्णु भगवान की आराधना करते रहो। ये मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। बंधुओं, विभिन्न योनियों में अरबों खरबों बार भटकने के बाद किसी तरह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य होने पर भी देवताओं के पूजन और दान में मन लगाना बहुत ही कठिन है। माताओं, योग बुद्धि सबसे दुर्लभ है। जो दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर सदा ही श्रीहरि का पूजन नहीं करता, वह आप ही अपना विनाश करता है, उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। तुम लोग दंभ का आचरण छोड़कर
चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु की पूजा करो। हम लोग बारंबार बुझाएं उठाकर तुम्हारे हित की बात कहती है। सर्वथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और मनुष्यों के साथ ईर्ष्या का भाव छोड़ देना चाहिए। सबके धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान की आराधना किए बिना संसार सागर में डूबे हुए तुम सब लोग कैसे पार जाओगे? माताओं, अधिक कहने की क्या आवश्यकता, हमारी ये बात सुनो। जो प्रतिदिन तन्मय होकर भगवान गोविंद के गुणों का गान तथा नामों का संकीर्तन सुनते हैं, उन्हें वेदों से, तपस्या से, शास्त्रोक्त दक्षिणा वाले यज्ञों से, पुत्र और स्त्रियों से, संसार के कृत्यों से तथा घर खेत और बंधु बांधवों से क्या लेना है? इसलिए तुम लोग भय छोड़कर श्री केशव की आराधना करो। शालग्राम शिला का निर्मल और शुद्ध चरणामृत पियो तथा भगवान विष्णु के दिन एकादशी को उपवास करो। जब सूर्य मकर राशि पे स्थित हो उस समय प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करो, साथ ही पति की सेवा में लगी रहो। नरक का भय तो तुम्हें दूर से ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाली परम पवित्र एकादशी तिथि प्रत्येक पक्ष में आती है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों हो रहा है? घर से बाहर के जल में स्नान करने से पुण्य प्रदान करने वाला माघ मास भी प्रतिवर्ष आया करता है, फिर तुम्हें नरक से भय क्यों होता है? इसके बाद वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, वे कन्याएं अपनी माताओं से इस प्रकार कहकर पुनः माघ स्नान, उपवास आदि व्रत धर्म तथा दान करने लगी। माघ महा महत्तम अध्याय 28 समाप्त। इस अध्याय में उन कन्याओं ने स्पष्ट रूप से बोला है, श्री हरि की भक्ति बिना मुक्ति संभव ही नहीं है। अभी भी समय है, ये मानव जीवन यूं ही व्यर्थ ना करो। जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं, तो क्यों कलयुग के लिए प्रपंच करें? विचार करो और हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रख लो, कलयुग केवल नाम धारा, सिर्फ नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। प्लीज माघ महत्तम की इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और माघ मास का प्रभाव सब लोगों को बताएं, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।